हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, आज है मैच बार्सिलोना वर्सेस कार्डिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है बार्सिलोना के प्रस्पेक्टिव से ला लीगा में, क्योंकि इफ वी वांट टू डोमिनेट इन ला लीगा वंस अगेन, इट्स अ वेरी वेल नीडेड विन हियर। वी कैनॉट अफोर्ड टू ड्रॉप एनी सिंगल पॉइंट। और अगर आप इस वेरी इंपॉर्टेंट मैच को मिस नहीं करना चाहते, देन ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे इस मैच का लाइव शोकेस किया जाएगा रात को 1:30 AM पे। सो ज्वाइन करें वहां पे और लाइव मैच का लुफ्त उठाएं। सो भाई साहब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बार्सिलोना दिस टाइम। लेकिन थोड़ी सी इस मैच के प्रीव्यू में पहले अपन बात कर लेते हैं कार्डिस के बारे में। अगर हम कार्डिस के बारे में बात करें तो कार्डिस हैड अ वेरी इंप्रेसिंग स्टार्ट। वहां पर वो लालीगा के सेकेंड टायर में खेलते थे, इसी साल प्रमोट होके आए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर प्लेइंग सिंस 2005-2006 वाले सीजन के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन लोग ने स्ट्रगल करा है ड्यूरिंग दिस फेज। और जब ये लालीगा में अभी अभी प्रमोट होके आए हैं, दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, जहां पर वॉन 15 पॉइंट्स फ्रॉम 11 मैचेस। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है किसी एक न्यूली प्रमोटेड टीम के लिए। बट हेडलाइन पूरे न्यूज आर्टिकल्स में ये तब छा गए जब ये रियल मैड्रिड से 1-0 जीत के आ गए। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी शॉकिंग डिफीट फॉर रियल मैड्रिड, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर कार्डिस एज वेल। सो ऑल आइज ऑन दिस मैच। क्या कार्डिस फिर से जो है वो एक हैवी वेट ऑफ स्पेन को डिसअपॉइंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बट टू बी रियली ऑनेस्ट, उस विन के बाद, रियल मैड्रिड के विन के बाद, दे आर नॉट ऑन देयर सक्सेसफुल रन जो वो कैप्चर करके चल रहे थे। आफ्टर दैट मैच दे हैव ड्रॉन अगेंस्ट विलारियल, उसके बाद एक मैच वो केवल इबार से जीतते हैं, दैट टू अवे, और फिर होम में 4-0 एथलेटिको मैड्रिड से हारते हैं। देन रियल सोसिएडाड उसको हराती है, एंड देन एल्शे से उनका ड्रॉ होता है। तो भाई साहब, यहां पर बार्सिलोना, अगर हम बार्सिलोना की तरफ नजर डालें तो बार्सिलोना ने जो एथलेटिको मैड्रिड से मैच हारा था, उसके बाद दे आर अ वेरी हॉट रन फॉर्म, जहां पे प्रेतवेत आ चुका है अब स्क्वाड में और आग लगा रहा है। 4 गोल से हम डायनमो के खिलाफ जीते हैं, 4 गोल से हम ओसासुना के खिलाफ जीते हैं, एंड देन रिसेंटली हम 3 गोल से फेरेंचावारोस के खिलाफ जीते हैं। तो अगर मैं टीम्स की क्वालिटी को देखूं तो फेरेंचावारोस, डायनमो, ये सब कार्डिस के टीम के क्वालिटी के हिसाब के टीम्स हैं। तो अगर हम इनसे जीत सकते हैं तो मेरे ख्याल से कार्डिस के खिलाफ हम इजीली जो है वो एक विन पुल कर सकते हैं। बट अगर मैं कार्डिफ के गेम प्लान के बारे में बात कर लूँ, अगर मैं कार्डिफ के स्टाइल के बारे में बात कर लूँ, जो मैंने नोटिस किया रियल मैड्रिड वाले गेम में और एथलेटिको वाले गेम में, यस आई डिड वॉच द एथलेटिको वाला गेम वर्सेस कार्डिस, क्योंकि आई वॉन्टेड टू सी लुइस सुआरेज़ एंड जोआ फेलिक्स, तो भाई साहब, दे टेंड टू सेट बैक। वो जैसी पुरानी एथलेटिको मैड्रिड नहीं खेलती थी कि एकदम बैठे रहे अपने बॉक्स में, लेट देम हैव द पोजिशन, लेट देम डू वॉट दे वॉन्ट, बट हम पूरे प्लेयर बैठा के रखेंगे बॉक्स में, एंड वी विल थ्रो लॉन्ग बॉक्स, लॉन्ग पासेस, काउंटर अटैक खेलेंगे। इस टाइप की फिलोसफी जो है वो कार्डिस यूज करती है, एंड यही रीजन था जिससे रियल मैड्रिड हारी थी, क्योंकि रियल मैड्रिड के अटैक हम जान ही रहते हैं उस समय, तो और हजार्ड इंजर्ड था और भी बहुत सारे प्लेयर्स उनके इंजर्ड थे, एंड रियल मैड्रिड शॉकिंगली केवल एक ही शॉट ऑन टारगेट ले पाई थी, जस्ट बिकॉज उन लोग पूरे साले डिफेंडर्स बैठे हुए थे बॉक्स में। तो सेम कुछ ऐसा इस मैच में भी हमको देखने को मिल सकता है कि वो अपने बॉक्स में बैठे रहे, पूरे डिफेंडर्स खड़ा करके रखें और हम गेम डिक्टेट करें। एंड आई सेड अगेन एंड अगेन, जब सामने वाली टीम हमको गेम डिक्टेट करने देती है, जब हमको पोजीशन रखने देती है, तब प्रॉब्लम हो सकता है सामने वाली टीम के लिए। बट यार, उनकी डिफेंस तोड़ना एक बहुत ही दिमाग वाला काम होगा, क्योंकि जब 8-10 प्लेयर बैठे रहेंगे साले डिफेंस में तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा ना। लेकिन गुड न्यूज़ इज दैट लियोनेल मेसी विल बी बैक इन आवर स्क्वाड, और लियोनेल मेसी की विजन, लियोनेल मेसी की पासिंग, वी ऑल नो कितनी कातिलाना है वो, ऑल्सो हिज ड्रिबलिंग एज वेल, तो हो सकता है कि हम आराम से बीट कर जाएं। अगर मैं कमजोरी की बात करूं कार्डिस की, देखो व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि थ्रू बॉल उन लोग नहीं कर पाते हैं, थ्रू बॉल के खिलाफ दे आर रियली वेरी वीक, सेट पीसेस में दे आर रियली रियली वीक, बट दे टेंड टू काउंटर अटैक फुटबॉल खेलने के और क्रॉसेस डालते हैं बॉक्स में, लॉन्ग पासेस खेलते हैं। तो देखने वाली बात होगी हाउ आर फुल बैक एंड डिफेंस विल वर्क दिस टाइम, क्योंकि जब एक टीम काउंटर अटैक करती है और सेट करती है बॉक्स में, तो हम जन
जनरली हाई लाइन खेलते हैं, हमारे पूरे डिफेंस आगे बढ़ी रहती है। तो भाई साहब जब वो काउंटर अटैक करेंगे तो अब यहाँ पे असली टेस्ट होगा सोजीनियो डेस मिंगवेजा और जॉर्डी अल्बा की, कितने अच्छे से वो डिफेंड कर पाएंगे। एंड मैंने जहाँ तक देखा है अभी तक बार्सिलोना का मैच, जब पीके के खेलता था तब जो हाई लाइन जब हम खेलते थे ना तब वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था, क्योंकि जेराड पीके ओवर कमिट करता था, लैंगले वापस आ नहीं पाता था, रोबर्टो वापस आ नहीं पाता था। बट अब ये जो नया हमारा डिफेंस है मिंगवेजा डेस्ट लॉन्गले, अब देखते हैं कि क्या इन लोग काउंटर अटैक को कैसे संभालने पाएंगे। तो इट विल बी अ वेरी वेरी नाइस मैच एंड वेरी ह्यूज टेस्ट फॉर मिंगवेजा एज वेल बिफोर द ह्यूज क्लैश विद जुवेंटस। तो देखते हैं क्या हो। व्हाट आई थिंक इज कि बार्सिलोना जो है वो बहुत समय तक डिक्टेट करेगी गेम को, दे विल हैव अ लॉट ऑफ पोजिशन एंड दे विल स्कोर विद अ थ्रू बॉल, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। और अगर मैं अभी जितने भी तुम्हारे सामने खेलने का फिलॉसफी बताया कार्डिस का, ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं तुम भी मेरे साथ अग्री करोगे कि यार ऐसे सब सिचुएशन में वी डू नीड कि डेम्बेले स्टार्ट करे, क्योंकि उसकी जो पेनिट्रेशन वाले रन्स होते हैं, पेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ब्रेटवेट स्टार्ट करे क्योंकि वो डिफेंस को खींच के जाएगा, उनका जो गैप बनाएगा, यू नो स्पेसेस लेफ्ट बिहाइंड करेगा कटिनी और मेसी के लिए, ग्रीज़मैन के लिए। तो इन दोनों प्लेयर्स का यू नो स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा इस मैच को जीतने के लिए। बट क्या रोनाल्ड कॉमेन इनको स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भाई साहब दी स्टार्टिंग 11 विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइम। एंड अगेन बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि कौन स्टार्ट करने वाला है। अगर मैं इस चीज़ को देखूंगी किसको रेस्ट मिला था किसको रेस्ट नहीं मिला था, तो आई थिंक सो कि ब्रेटवेट स्टार्ट करेगा, कटिन्यो ग्रीजमैन एंड मेसी विल स्टार्ट, क्योंकि मेसी को रेस्ट मिला है, कटिन्यो को रेस्ट मिला, तो आई गेस डे 3 विल बी स्टार्टिंग। ब्रेटवेट और ग्रीजमैन की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो आई डोंट थिंक सो इतने बड़े लालीगा के गेम में जहाँ पे हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, 7th ऑन दी पोजिशन बैठे हुए हैं और वी आर इन अ डेस्परेटली नीड ऑफ अ विन इन ला लीगा, मेरे ख्याल से ग्रीजमैन और ब्रेटवेट का कॉम्बिनेशन तोड़ना विल बी अ वेरी स्टूपिड डिसीजन फ्रॉम कोमैन अगर वो ऐसा करता है तो। एंड देन डिजोंग एंड बुस्केट्स विल बी स्टार्टिंग, ऑल दो आई डोंट वॉन्ट बुस्केट्स टू स्टार्ट, क्योंकि इस गेम में वी डू नीड पेस, वी डू नीड पासिंग, वी डू नीड यू नो दैट वेरी डिसाइसिव पासिंग, जो मेरे ख्याल से पियानिच ज़्यादा बेटर कर पाएगा बुस्केट से। बट जिस हिसाब से पियानिच को कम इस्तेमाल किया है, बुस्केट्स को भी रेस्ट अच्छा खासा मिला है, आई थिंक सो बुस्केट्स विल स्टार्ट इन दिस मैच विथ डियोंग। और अगर मैं अपने बैकलाइन के बारे में बात करूं तो देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि हमारे पास कोई चेंज अवेलेबल ही नहीं है। जॉर्डी अल्बा, लॉन्गले, मिंगवेजा, डेस्ट एंड टर स्टेगन विल स्टार्ट। बट ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेटवेट को वो इस मैच में ना खिलाए, क्योंकि हो सकता है कि जुवेंटस वाले मैच में खिलाना चाहता हो और ब्रेटवेट को बहुत सारे गेम्स खिलाया है, तो ऐसा हो सकता है कि वी कैन सी ग्रीज़मैन, कटिन्यो, मेसी विथ पेद्री स्टार्टिंग, क्योंकि पेद्री को बहुत ज्यादा रेस्ट मिला एंड वी ऑल नो पेद्री और कोमन का प्यार मोहब्बत चलता है, तो क्या पता पेद्री स्टार्ट करते हुए हमको दिख जाए विद डियोंग एंड बुस्केट्स वन अगेन एंड द बैकलाइन रिमेंस द सेम, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट आई डू रियली विश कि पेद्री स्टार्ट ना करे, और अगर कर भी रहा है पेद्री स्टार्ट तो फिर कटिन्यो को तुम रेस्ट दो या फिर बुस्केट्स को रेस्ट दो, आई डोंट नो। बस मैं नहीं चाहता हूँ कि पेद्री स्टार्ट ना करे इस मैच में, क्योंकि वी डू नीड डेम्बेले, डेम्बेले की हॉट रन ऑफ फॉर्म चल रही है। और देखो सच बात बताऊँ, यस वी ऑफ कोर्स वॉन्ट अ विन अगेंस्ट जुवेंटस, बट वहाँ हम हार या जीते डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन हर UCL कैंपेन, हम ऑलरेडी टॉप ऑफ द टेबल हैं, वहाँ हार भी जाएंगे तो टॉप ऑफ द टेबल रहेंगे, बट इन दिस मैच लालीगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से अगर आप जुवेंटस वाले गेम में पेद्री को स्टार्ट करो, डेम्बेले को स्टार्ट करो, ग्रीजमैन को स्टार्ट करो, ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम सम ह्यूमिलिएशन फ्रॉम जुवेंटस फैंस, और मेरे ख्याल से उनकी ह्यूमिलिएशन से कुछ ऐसा कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। अगर हम लालीगा हार जाएंगे तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, तो अब देखते हैं क्या होता है। बट मेरे ख्याल से इस मैच में वी डू नीड आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग 11, जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट 11 उतारे एंड ब्रेटवेल एंड ग्रीजमैन शुड स्टार्ट विद डेम्बेले। आई विश सो बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। ब्रेटवेल, ग्रीजमैन एंड कटिन्यो जो है वो स्टार्ट करते हुए मेरे को तो लग रहा है कि देखेंगे, तो अब देखते हैं क्या होता है। डेम्बेले आएगा सेकंड हाफ में, नहीं आएगा, इट विल बी ऑल डिपेंडिंग ऑन रोनाल्डो कोमैन के टैक्टिक्स, बट इट्स अ वेरी टफ गेम फॉर बार्सिलोना, डू नॉट एवर अंडर एस्टिमेट कार्डेज, दे आर अ गुड परफॉर्मिंग टीम एंड वी हैव स्ट्रगल्ड विद टीम दोज टेंड टू सेट बैक एंड हिट ऑन काउंटर अटैक, तो देखते हैं कैसा होता है। But I think so we will win this match, of course we have that quality, we have Lionel Messi back in our squad, so I guess it will be a 2-1 for Barcelona. Do let me know your prediction down below in the comment section, aur jo sahi prediction karega usko is match ke review mein bhai saab shout out milega. So this is it for today's video guys, milte hain agli video mein, this is Shish ke signing on, bye bye, take care, peace, visca el Barça, jai hind.
ABCD.